हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साउंड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा और आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं आप उनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। और प्लीज अगर आपको कुछ नए वीडियोस चाहिए या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है शिव का आलय शिवालय। नेक्स्ट, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो आजाद शत्रु। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। भला चाहने वाला हितैषी। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जो एक जगह टिक कर नहीं रह सकता उसके लिए एक शब्द है ययावर। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो कानून के अनुकूल हो अवैध। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य। पैर से सिर तक अपाद मस्तक। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। साथ में काम करने वाला सहकर्मी। पति या पत्नी का पिता श्वसुर। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। जंगल में लगी आग दावानल। भय के कारण बेचैन भयाकुल। जिसकी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचास्मति। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु। कमल की डंडी के लिए एक शब्द है मृणाल। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी। जिसकी 3 आंखें हों त्रिनेत्र। और हम ये जानते हैं कि हमारे जो शिव शंकर हैं महादेव हैं उनकी 3 आंखें होती हैं, और त्रिनेत्र शब्द शिव शंकर के लिए यूज किया जाता है। बिना भोजन के निराहार। जो आकाश में विचरण करे नभचर। जल में विचरण करने वाला जीव जलचर। और दोनों में जो विचरण करते हैं ऐसे जीवों को हम कहते हैं उभयचर। काफी अधिक कीमत का बहुमूल्य। जो आंखों के समक्ष हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। हाथी को हांकने वाला महावत। औषधि का जानकार जिसे हम कहते हैं भेषज। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान। रंगमंच का पर्दा यवनिका। कम खाने वाला अल्पाहारी। रात का भोजन इसके लिए एक शब्द है बयालू, या फिर हम रात्रि भोज कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति या फिर हाथ से लिखी गई पुस्तक जिसके लिए एक शब्द है पांडुलिपि। जो नभ में चलता हो खेचर। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। जिसके सर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। इसीलिए हम शिव शंकर जी को चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उनके सिर पर चंद्र विराजमान होते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हो कानिन। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न। जो कम बोलता हो मितभाषी। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जो गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द है पोषित पतिका। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके कोई भी एग्ज़ाम में।
और आप इनको अगर 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने इसमें वही क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आपके जैसे सीटेट, आप यूपीटेट देते हैं, आईएएस पीसीएस वाले जैसे एग्जाम देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जो आंखों के समक्ष हो या फिर सामने हो परोक्ष, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्गम, जो एक जगह टिक कर ना रह सके उसके लिए एक शब्द है ययावर, जो आय और व्यय का जांच करता हो हम उसे क्या कहते हैं अंकेक्षक या फिर अंकेक्षक, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया डैश उसके लिए एक शब्द होगा दुर्दशा। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन में टिक करना है। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है पूज्य, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द है अवीरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में इसे मार्क कर लीजिएगा। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द है पार्थिव, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ऐसे अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द क्या चुनते हैं निराकार। वर्णन से परे वर्णातीत, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, जिसका निवारण ना हो सके अनिर्णीत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, पूर्व में था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द है भूतपूर्व, वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पतियाँ हारी, पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री, ऐसे शब्दों के लिए एक शब्द है परित्यक्ता, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त, मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ, पूछने योग्य बात पृष्ठवा, जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युन्मति, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर या फिर अति इंद्री, किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो शंकालु, जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिम या फिर अद्वितीय, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षार्थ, जिसने ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द है अधर्मण या फिर ऋणी, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री, बिना घर का अनिकेतन, खो रजोगुण वाला राजसिक, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अगमिष्यत पतिका, जीतने की इच्छा जिगिशा, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द है कूप मंडू, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेत्ता, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो सव्य सांची, जो अवैध संतान हो जारज, जिसका पति छोड़कर चला गया हो परिपत्य का, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर, पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना या फिर सुलोचना, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो अन्योदर, जो तत्काल रचना कर सके उसके लिए एक शब्द है आशुकवि, जिस पर हमला किया गया हो अनाक्रांत, अनिश्चित जीविका के लिए किया गया कार्य आकाश वृत्ति, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। तो ये थे कुछ ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। आप बस इसे 1 या 2 बार रिपीट करिए, इसे रिवाइज करिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।